यहाँ से जितने भी रिश्ते हुए हैं, मुझे खुशी इस बात के लिए है कि वो 100% सक्सेस हुए हैं और उनका दाम्पत्य जीवन आज बच्चों का बहुत खुश है, बहुत सुखी है। नमस्कार, मैं जय निवास, टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि एक ये स्पेस दिख रहा है और यह स्पेस है किसी ऑडिटोरियम के बाहर नीचे जाने से पहले तक का, और यह मजमा आपको बता दूं मध्य देशीय सभा का है जिन्होंने वैवाहिक परिचय सम्मेलन आयोजन किया, और उसमें एज ए अतिथि क्षेत्र के विधायक महेंद्र गोयल आपके स्क्रीन पर हैं और क्षेत्र के पार्षद सोलंकी मैम भी आपके स्क्रीन पर हैं। एक करके जानूंगा समाज के लिए उन्होंने क्या मुद्दा उनके पास आया और क्या मांग रखी और समाज को लेकर क्या सोचते हैं, समाज का जुड़ाव किस तरह से। जी सर, देखिए ये समाज बहुत अच्छा कार्य करता है। आज देश के कोने कोने से दिल्ली के अंदर जितने भी लोग हैं उनको सभी को एक सूत्र में परोने का काम ये मध्य देशीय वैश्य समाज यहाँ पर ये कर रहा है, और जिसके अध्यक्ष सुभाष गुप्ता जी हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों के रिश्तों के अंदर, तो ये समाज के सभी बच्चों के बायोडाटों को अपने पास में मंगाता है और यहाँ पे एक दूसरे के साथ परिचय करवाते हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और तकरीबन आज तक यहाँ से जितने भी रिश्ते हुए हैं, मुझे खुशी इस बात के लिए है कि वो 100% सक्सेस हुए हैं और उनका दाम्पत्य जीवन आज बच्चों का बहुत खुश है, बहुत सुखी है। इसके लिए मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई दें। जैसा कि अपने नाम में, संस्था के नाम में अखिल भारतीय मध्य देशीय, और ना केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बल्कि प्रांत के बाहर भी कई बार भारत के बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं और एक समाज एकजुट एक हॉल में एक प्लेटफॉर्म पर दिखता है, क्या संदेश देंगे। देखिए यही भारत की खूबसूरती है, हम लोगों की सभी की खूबसूरती यही है कि जगह जगह भिन्न भिन्न प्रांतों से लोग आकर और एक मंच के ऊपर जब इकट्ठा होते हैं तो वो बहुत दिल को खुश भी करता है और यही हमारी तरक्की का राज भी होता है। आपने अभी अभी मंच पे एक बहुत बड़ी संकल्प उनसे करवाई और एक बहुत बड़ा इनके पास क्या कहें प्रश्न खड़ा हो गया, उस क्षेत्र से अगर हम जीत कर आते हैं, हमारा नुमाइंदा आता है तो उस पार्क का नामांकन अवश्य होगा। एक बार फिर देखिए, मैं कमिटमेंट वही करता हूँ जो मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर है। मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर जो था, इन्होंने रोड के लिए नामकरण मांगा, इन्होंने कहा कि एक बाबा गणिनाथ जी का द्वार बनना चाहिए, और जो बाबा गणिनाथ तक रोड जाती थी उसको बनाने के लिए इसी संस्था के द्वारा वो प्रस्ताव था जिसको मैंने सबसे पहले रोड को बनाया, एक उससे बड़ी रोड को उसके नामकरण से किया बाबा गणिनाथ भगवान के नाम से, और वहाँ पर एक द्वार भी बनाया। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं कोई मुझसे अपेक्षा करता है तो मैं वो काम करूं। आज मंच से जैसे बोला कि ये पार्क के बाबा गणिनाथ के नाम से हो जाए, और मेरे क्षेत्र में नहीं है, वो अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो मैं वोट के लिए कम से कम गलत कमिटमेंट नहीं करूंगा। मेरा जिस समय वहाँ से कोई नुमाइंदा, हमारा कोई नेता वहाँ से चला जाएगा तो मैं खुद खड़ा होकर बाबा गणिनाथ के नाम पर उस पार्क का नामकरण करवाऊँगा। ये मैंने कमेंट में, अर्थात ये पार्क DDA का है और DDA केंद्र के अंदर आता है और केंद्र का नुमाइंदा एज ए सांसद चुनाव जीतता है तो निश्चित है वह पार्क समाज का होगा। और अभी अभी निर्वर्तमान चुनाव जीत के हमारे सामने सुरेंद्र सोलंकी की मिसेज पुष्पा सोलंकी आपके स्क्रीन पर है, इनसे जानते हैं क्षेत्र के बारे में क्या ख्याल रखती है। मैं समाज को बहुत बहुत बधाई दूंगी जो ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे करते रहे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस क्षेत्र के बारे में एज ए समाज सेवी सुरेंद्र सोलंकी जी, इस समाज को कैसे जानते हैं, क्या कुछ समाज से कहना चाहते हैं। मैं इसे समाज का बहुत बड़ा ऋणी हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे वार्ड के अंदर वैसे समाज और पूर्वांचल समाज ही रहता है, और वो मुझे इतना स्नेह और आशीर्वाद दिया कि हम हर बूथ से चुनाव जीते हैं, और मेरे लिए कोई भी काम ये समाज जब भी कहेगा
आज तक वैसे जो भी ये कहते हैं हम करते हैं, लेकिन मैं समाज को हमेशा कभी भी कोई भी 24 घंटे कोई भी मेरे प्रति अगर कोई भी काम होगा तो मैं सदैव इनके साथ खड़ा हूँ। और ये समाज भी मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता है कि जब से इनका ये परिचय सम्मेलन होता है मैं भाई तो बड़ा अच्छा काम करते हैं तो मैं हमेशा ये बुलाते हैं, मुझे मान सम्मान देते हैं और बड़ी भारी बहुमत से मुझे जिताया भी है, तो मैं तो इनका ऋणी रहूँगा। और मैं सुभाष गुप्ता जी को, उमेश जी को और इस पूरे संस्था को बधाई देता हूँ, क्योंकि दिल्ली के अंदर हम भिन्न भिन्न प्रांतों से आकर यहाँ रह रहे हैं तो बड़ी दिक्कत आती है कि आपस में बच्चों की शादी करने के लिए, क्योंकि गांव में थे हम तो पता लग जाता था भाई वो फलाने का बच्चा जवान है ये, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि परमात्मा इनको और ज़्यादा शक्ति दे और किसी का जोड़ा मिलाने से बड़ा और भी कोई पुण्य का काम नहीं होता है। जी हाँ, यह दिल्ली देश की राजधानी विभिन्नता में एकता के स्वरूप पेश करती है और अभी निर्वर्तमान चुनकर आए हैं, इनके लिए वक्त है, आप पैमाना स्केल पर नापिएगा। तब तक विधायक गोयल जी के अपने वाणी सुनी, विचार कीजिए और आगे एक एक से मिलवाते हैं। जय निवास की।